धरना दिया आपने ये कल? धरना तो कल से दे रहे हैं। नगर परिषद चेयरमैन की जो कार्यप्रणाली है उसके खिलाफ हम लोगों ने ये धरना दिया है। इस धरने की बताइए। हमारी आज से 4 साल पहले बोर्ड बना, उस बोर्ड के अनुसार जो काम होने थे वो आज दिन तक कभी हुए नहीं। सारे काम अनिश्चितकाली ने इसने अपनी मन मर्जी से किया। वार्डों को इसने अपने मात्र से चुना, जिस वार्ड में काम करना है, जिस वार्ड का जो नहीं करना, ये अपने अपने वार्ड का ही काम करने के लिए चुना। ज़्यादा इसने अपने पैसे खाने के एवज में NF के जो 57 लाख का जो टेंडर हुआ उसके 17 लाख रुपए सिर्फ रिश्वत के पेटे में इन्होंने चेयरमैन ने लिए जी। और अपने ही वार्ड में 15 नंबर वार्ड जो हमारा SC ST के नाम का SC ST के नाम का जो वार्ड है उसमें इसके निजी प्लॉट उसके आखिरी बाकी में टेंडर करवा करके रोडें बनाई। उस रोड के 2 बार इसने पैसे उठाए और 60 लाख रुपए उठाए, जबकि विकसित मेरा वार्ड संख्या 10 आज भी काम उसने मन मर्जी से 2 साल पहले टेंडर हुआ, उसके बाद में आज से 4 महीना पहले वर्क ऑर्डर जारी किया, उसके बाद में आज दिन तक उसको रोका गया है। एक तो सोनी आयुक्त था, उसने पर्सनल रोका, सोनी और चेयरमैन दोनों ने पर्सनल अपने रोक कर आज भी ठेकेदार को रोक के रखा हुआ है। इसके वार्ड का कोई काम नहीं करना है मेरे वार्ड का। ये तो मेरी वार्ड की बात है, सब 40 वार्डों में किसी के वार्ड के अंदर सफाई की देख लो, कोई भी मुद्दा देख लो, ये अपनी मर्जी का होगा तो करेगा, और अपने इसको नहीं मिलता होगा वहाँ कुछ भी नहीं करेगा। ठीक, इस तरह बताइए, आपने धरना दिया है ना, ये क्या है? हमारे नहर पानी की समस्या है और सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, इसकी अप्रोच होती है उसके आगे घर के आगे सड़कें बन जाती है। हमारी ना तो कोई अप्रोच है, ना जान पहचान है, हमने सिर्फ वोट दिए हैं, और उसके वोट देने के बावजूद भी हमारे घर के आगे से ना तो सड़क है और पानी की मेन समस्या है, और नालियाँ हैं वो खुली पड़ी है और पूरी गली में गैरेज टाइप बना हुआ है। ये आपने धरना किसके खिलाफ दिया है? हमने तो ये हमारे घर के आगे गंदगी रहती है दुनिया भर की, पूरी गली में टूटी फूटी सड़क पड़ी है और पानी की बिल्कुल समस्या हद से ज़्यादा है, 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 12 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज बाला है, सरोज बाला सारसोट है। और मतलब हद से ज़्यादा हमारे वार्डों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, गंदगी में सबसे ज़्यादा, और पूरी गली गैरेज टाइप बनी हुई है हमारी, वो हम बिल्कुल सहन से बाहर है, प्रदूषण फैलता है और गाड़ियाँ घर के आगे से निकलती है, बच्चे अचानक घर से निकलते हैं, हमारे प्रॉब्लम है, अगर सुना जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर सामने आ रही है। एक तो विकास कार्यों के अंदर ज़बरदस्त भेदभाव किया जा रहा है, अभी वर्तमान में एक कोई टेंडर 2 करोड़ रुपये का निकला है, उसके अंदर एक वार्ड अकेले को 61-62 लाख रुपए दे दिए गए हैं। इस तरह का भेदभाव ये असहनीय है हमारे लिए। इसके अलावा दुनिया भर का भ्रष्टाचार व्याप्त है, सफाई की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, कोई पट्टा जारी नहीं करना नगर परिषद के अंदर, लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं लाइट पानी की सुविधा उसके लिए भी NOC जारी नहीं की जा रही है। इस प्रकार की समस्याओं के लिए हम लोगों ने ये धरना नगर परिषद के सामने दिया है, जो अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा या हमारे ये धरना उग्र रूप धारण करेगा, इसके पश्चात धरने के बाद हम आवरण अनशन भी कर सकते हैं अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो। ये मातृशक्ति भी आई है, इन मातृशक्ति की पानी की और सफाई की समस्या है, इसके लिए महिला यहाँ आई हमारा सहयोग करने के लिए, इनसे भी आप पूछ सकते हैं।